और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। मजलिस अहरार इस्लाम के अजीम रहनुमा सैयद मोहम्मद कफील शाह साहब बुखारी अपने ख्यालात का इजहार फरमाएंगे। नारे तकबीर अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी, सफीर खत्म नबूवत मौलाना मंजूर अहमद जिनियोटी, नारे तकबीर। الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أرسل محمدا نبيا ورسولا وشاهدا ومبشرا وشاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين تمام حضرات ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں آپ کوئی بڑے ہی بے ذوقی کا مظاہرہ ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بھی نہیں آتی تو واجب ہے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برادر مکرم حضرت مولانا محمد الیاس جنیوٹی دامت برکاتہم اسٹیج پر موجود میرے نہایت قابل احترام علماء کرام میرے بزرگو بھائیو عزیزو حسب معمول سالانہ فتح مبالغ کانفرنس جاری ہے اور جب تک ہم زندہ ہیں مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمت اللہ علیہ کی آل زندہ ہے اور جب تک چنیوٹ کا ایک مسلمان بھی زندہ ہے یہاں اسلام باقی ہے یہ کانفرنس ہوتی رہے گی اس لیے کہ عقیدہ ختم نبوت ہر مسلمان کی سب سے بڑی متاع ہے متاع عزیز
कि इसके बगैर न तौहीद का अकीदा है और न को आखरत का अकीदा है, इसके बगैर न हमारे पास किताबुल्लाह है न हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, न आप अलैहिस्सलाम की सुन्नतें हैं और न इजमाए उम्मत है यानी सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम व रजू अन, उनका अमल, उनकी इस्तिकामत और इस उम्मत को अता किया हुआ दीन इस्लाम जो सहाबा के जरिए उम्मत तक पहुंचा है, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा अगर अकीदा खत्म नबूवत नहीं है। आज बहसें होती हैं और नए नए दानिश्वर जो दरअसल दानशूर होते हैं, दानिश्वर नहीं होते, कि जनाब हुजूर आखिरी नबी है इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन उम्मत की रहनुमाई भी तो होनी है और नबूवत का फैज जारी है और किसी को नबूवत का कोई हिस्सा मिल जाता है तो इसमें आपको क्या परेशानी है? हमें यकीनन परेशानी है, सिर्फ परेशानी नहीं हमें सख्त तकलीफ है, हमारे लिए ये मुसीबत है, हमारे लिए ये वबाल जान है और हमारे ईमान के जाय होने का सबसे पहला यही जीना है कि यहां अगर हम इस्तकामत के साथ न खड़े हुए तो ईमान से फारिग हो जाए। किसने बताया हमें कि अल्लाह वादुल्ला शरीक है? किसने बताया हमें कि ये किताबुल्लाह कुरान करीम अल्लाह की किताब है, जाब्ते हयात है? किसने बताया हमें अपनी हदीस के जरिए कि ये पूरे कुरान की ये तशरीहात हैं, ये हलाल है और ये हराम है, ये मारूफात हैं, ये मुनकरात हैं? किसने बताया हमें? ये आखिरत है, जिंदगी यूं गुजारनी है, कयामत यूं बर्पा होगी और कयामत के ये अहवाल हैं, और किसने हमें बताया कि मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद नबी कोई नहीं? अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम, दीन मुकम्मल हो गया। अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल इस्लाम दीना, मुकम्मल हो गया। अब इसके बाद कोई और आके हमें क्या देगा? कुरान से बढ़कर किसी के पास कोई चीज है तो ले आए। मुसैलमतुल कज़्ज़ाब ने दो तीन उल्टी सीधी उसने हाकी थी, मुफसरीन ने उनको नमूने के तौर पर पेश किया है कि ये कुरान के मुकाबले में ये भी कुछ उसने उल्टी सीधी बातें की थी, अलफील व बलफील लहू जम्बू वबील व खरतूम तवील, सूरह फील के मुकाबले में उसने और भी कुछ उसने हजलियात बकी थी उसने। तो जनाब कुरान के मुकाबले में दुनिया में किसी इंसान के पास कोई किताब नहीं है जो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात हो। सब इंसानी अक्ल और इंसानी ख्वाहिशात के नतीजे में जाहिर होने वाले अफकार और नजरियात और उनके मजमूए हैं जो रुत बदलते ही बदल जाते हैं, बदल जाते हैं। मंजर बदला वो बदल गए, ख्वाहिश बदली वो बदल गए, मैन मेड लॉज हैं, इंसानों के बनाए हुए कवानीन हैं और इंसान अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक उनको तब्दील करता रहता है, तगैर व तबदल होता रहता है, लेकिन इस्लाम किसी किस्म के किसी तगैर और तबदल का कायल नहीं है। जो आ गया बस अब ये फाइनल है, तकमील हो गई। जो आयत करीमा मैंने आपको सुनाई, आयत तकमील दीन इसको कहते हैं, अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अलीगढ़ में तशरीफ ले गए और वहां स्टूडेंट्स ने ये पाबंदी लगाई कि खत्म नबूवत पर बात नहीं करनी, फिर तो तकरीर आपकी सुनेंगे, सीरत बयान करें और कादियानियों को भी कुछ नहीं कहना। शाह साहब ने कहा ठीक है, कुछ नहीं कहते। तो उन्होंने ये आयात तिलावत की, इससे पहले भी ये आयात भी, इससे आगे भी कुछ आया, रुकू पड़ा उन्होंने और उसके बाद पूछा तुम जितने लोग बैठे हो तुम्हें इसका मतलब समझ में आ गया?
पिताजी नहीं समझ में नहीं आया तो अगर इजाजत दो इसको तर्जमा कर दे तो कर दे। तर्जमा बयान हुआ, फरमाया इसकी तशरीह भी है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस के जरिए फरमाई है। कहो तो नबी का फरमान सुना दूं, अब क्या कहते कि नबी का फरमान ना सुनाओ, तो अहादीस सुनाई। कहा इसकी तफसीर भी है, तो तकरीर हो गई घंटा भर, लेकिन तकरीर के दौरान एक अमल ऐसा किया उन्होंने जैसे एक उस्ताद, हमारे इल्म तालीम के अंदर एक उसूल है जो लोग एजुकेशन जो सब्जेक्ट है ना जो उससे वाबस्ता है रिलेटेड है वो समझते हैं इसको कि समय बसरी मवाद तालिब इल्म को साथ देना ताकि सबक अजबर हो जाए, वो सुन भी ले देख भी ले, मिसाल देकर उसको बात समझाया जाए। तो शाह साहब काफी सारे लड्डू बनवाकर एक गठड़ी में बांध कर साथ लाए थे, बड़े आलीशान लड्डू थे। तो स्टेज से उतरे और पहली कतार में जैसे ये हजरात उलमा बैठे हैं जो भी प्रोफेसर असाज़ा बैठे थे, तो शाह साहब ने एक नुक्कर से सबको एक एक लड्डू देना शुरू किया और आखिर तक गए। दरमियान में एक बच्चा बैठा था उसको छोड़ दिया। जब वापस आए तो पूरी की पूरी गठड़ी उठा के जितने लड्डू बचे थे उस बच्चे की झोली में रखे और फरमाया अतममतु अलैकुम निअमती वरज़ीतु लकुम इस्लाम दीना। हुन लड्डू किसे नु नहीं मिलने, मुक गए थे। मत लड्डू लवण आ जाओ तो सकुन नबूवत दा लड्डू सानू मिल जावे। ए हुन जो कुछ आई सारा अल्लाह पाक ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जोली च रख के हर नेमत पूरी कर दी थी। नारा तकबीर, अजमत ताजदार खत्मे नबूवत, अजमत ताजदार खत्मे नबूवत, अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी, सफीर खत्मे नबूवत मौलाना मंजूर अहमद चनियोटी, नारा तकबीर। 20 मिनट जो नारे बाहर काट ले यार, हाले होए कोई नहीं। तो जनाब यूं बात को समझाया तो मकसद तो समझाना है, पैगाम पहुंचाना है, खत्म नबूवत के इस अलम को बुलंद रखना है, ये फिजा में लहराता रहे, लोग इसकी लहरों को देखें, इसकी किरणों को देखें, इसकी रोशनी को देखें, अपनी आंखों को ठंडा करें और दिल मसरूर हो जाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कल्ब और रूह के अंदर उतर जाए। ये मकसद है, ये जो हम खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस करते हैं, फतह मुबारक कॉन्फ्रेंस का मकसद भी अकीदा खत्म नबूवत की तबलीग, इसकी दावत, मुसलमानों के ईमानों को बचाना और जो गुमराह हो गए कादियानी उनको दीन की दावत देना, ये मकसद ही यही है एक मुसलमान का कि काफिरों को दीन की दावत, मुसलमानों को दीन की याद दहानी, मुकालमा, तवासी बिल हक, और इस तवासी बिल हक के रास्ते में जो मसाइब हैं, जो मुश्किलात हैं, जो परेशानियां हैं, उन पर सब्र करना और तवासी बिल हक व तवासो बिल हक व तवासो बिल सब्र, ये उस्वाए खातमुन नबीजीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह का हुक्म है और जो सब्र करता है अल्लाह उसके साथ हो जाता है, अल्लाह की मदद आ जाती है। तो हमने सब्र किया, बड़ी मार खाई हमने, आज कादियानी हमें बदनाम करते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि आप हकीकत की तरफ आए, जायजा लें कि आप करते क्या रहे हैं, मिर्जा साहब से लेकर आज तक क्या आप करते रहे हैं, आपने इंसानियत की क्या खिदमत की है। रोज अव्वल से हम मुसलमान, हमारी क्यादत वो हजरत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह हो, मौलाना सनाउल्लाह अमर सरी हो, वो हजरत अलामा अनवर शाह कश्मीरी हो, वो सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी हो, अहमद अली लाहौरी, मुफ्ती महमूद और आज तक रहिमहुमुल्लाह, कोई एक का नाम लें कि जो तशद्दुद का प्रचार करने वाला हो और जिसने तशद्दुद की हिमायत की हो कि तुम तशद्दुद करो और पुरतशद्दुद तहरीकें चलाओ और ये करो और वो करो। सबने अपने भाइयों को, मुसलमानों को तशद्दुद से रोका है। कादियानियों की तारीख ये है, रोज अव्वल से कादियान के अंदर इन्होंने तशद्दुद को फरोग दिया है। अताउल्लाह शाह बुखारी सबसे पहले 1924 में कादियान में गए हैं
और हजरत अनवर शाह साहब की सदारत में तकरीर की है। उस जलसे पर कादियानियों ने हमला किया, उलमा को जख्मी किया, मुसलमानों को शदीद उनको उन तशद्दुद करके उनको जख्मी किया। तो शाह जी ने एक तकरीर की थी और फरमाया था कि ये जो कुछ रात इन्होंने किया है, जो अमन के पयाम्बर हैं, आपने इनका अमन देख लिया रात को, इसके जवाब में हमने ना इनको गाली देनी है ना इन पर हाथ उठाना। मिर्जा कादियानी ने पूरी उम्मत को गालियां दी हैं, खुद पढ़ लें किताबें, तफसील का मौका नहीं, मौलाना इलियास सिंधी आपको रोज सुनाते हैं, पूरी उम्मत मुस्लिमा को गालियां दी हैं। नबी की जबान से कभी कोई हल्का लफ्ज नहीं, हल्का लफ्ज नहीं निकलता। अल्लाह अकबर। हुजूर अस्सलाम फरमाते हैं, नमा बुइस्तु रहमतन वलम उबअस लअनन, मैं तो रहमत बनाकर भेजा गया हूं, लोगों पर फिटकार देने वाला बनाकर नहीं भेजा गया मैं, हमें तो दीन ये तालीम देता है। तो शाह साहब ने फरमाया था कि थोड़ा ही वक्त गुजरेगा, सब्र करो इस पे, और अगले साल तुम देखोगे कि यहाँ ज्यादा अल्लाह वाले जमा होंगे, ईमान वाले ज्यादा तादाद में आएंगे और दीन की दावत और आम होगी। तो 10 साल मेहनत हुई है, 1924 से 1934 तक। अल्लामा अनवर शाह काश्मीरी नबरल्लाहु मरकज़हु ने जो उस बंदे के करीब आया ना, उसके दिल में खत्म नबूवत के तहफ्फुज़ का दिया जला दिया उसने। तो ऐसा आदमी था, कमाल आदमी था, पारस है ना, जो उसके साथ लगेगा सोना हो गया। किसी एक भी करीब आने वाले आदमी को ऐसा नहीं है कि उन्होंने पैगाम खत्म नबूवत न दिया हो और इस मिशन पर खड़ा न किया हो, हीरे तराश कर उन्होंने हमें अता फरमाए। तो उन्हीं हीरों में से एक अताउल्लाह शाह बुखारी भी था। तो ये वो तसलसल था कि उन्हीं हीरों में हजरत मौलाना मंजूर अहमद चिनयोटी रहमतुल्लाह अलैह थे, वो हीरा था। सारी जिंदगी मैंने नहीं कभी सुना कि उन्होंने खत्म नबूवत और मुहासबा कादियानियत, इनकी तरदीद और मजम्मत, इसके अलावा कोई बात की हो, कुछ सोचा हो। वो तो लतीफा भी सुनाते थे तो वो भी इसी मजमून में ही सुनाते थे, लतीफा भी इसी मजमून में सुना के महफिल को ऐसा जाफरान कर देते थे कि कमाल आदमी थे। तो आज उनका आगे ये गुलशन जो है फल फूल रहा है और ये फलता फूलता रहेगा। हाँ, इसको बड़ा पानी मिला हुआ है। वो मेरे अजीज यहां बात कर रहे थे खून देने की। अल्लाह अकबर। हमारे हजरत अमीर शरीयत रहमतुल्लाह अलैह के आखिरी फर्जंद हजरत पीर जी सैयद अताउल मोहम्मद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, यहाँ एक वक्त गुजरा है उनका बहुत तवील, 24-25 साल उन्होंने मुसलसल चनाब नगर में गुजारे हैं, घर बार को छोड़ा सब कुछ। आपको क्या बताएं कि ये लोग किस मिट्टी के बने हुए थे और इनकी रूह जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से किस तरह सरशार रहती थी और किस तरह हुजूर की सुन्नतों पर अमल करते थे ये लोग। 1971 में हजरत पीर जी गिरफ्तार हुए चीचावती में और एक कादियानी के हवाले से एक केस बना, उसने एक मुसलमान को मार दिया, कत्ल कर दिया गुलाम रसूल को, और उस पर लोगों में इश्तियाल पैदा हो गया, तहरीक खड़ी हो गई, चीचा वतनी, साहिवाल, ओकाड़ा, मियाँ चन्नू, खानेवाल, वो आगे पत्तों की, लाहौर तक, ये पूरा एरिया जो है ये एक तहरीकी शक्ल बन गया इसके अंदर, और पीर जी उसमें तहरीक कर रहे थे। तो गिरफ्तार हो गए, फिर जमानत हुई आ गए, फिर दोबारा गिरफ्तार हो गए, मार्शाला कोर्ट में ट्रायल हुआ, याह्या खान का मार्शाला था और फौजी अदालत ने उनको सजा दी, 5 कोड़े, 6 महीने कैद बामुशक्कत और 8,000 रुपए जुर्माना। तो शाह साहब ने बड़ी खुशी से उसको कबूल किया कि ठीक है, लेकिन आप क्या जाने कि अल्लाह वालों के पीछे कितनी गायबाना लोगों की दुआएं होती हैं, कितनी दुआएं होती हैं। हमारे एक साथी रायगढ़ में पढ़ते थे उन दिनों, उन्होंने मुझे सुनाया, बहुत अरसा पहले सुनाया था हजरत पीर जी की जिंदगी में, कि एक दिन हम पढ़ रहे थे, हजरत मौलाना ज़ाहिर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह थे वहां रायगढ़ में,
तो दौरान सबक हजरत हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह दौड़ते हुए तशरीफ लाए, कहने लगे मुझे जाहिर शाह तुमने सुना है वो ताल मुहम्मद को कोड़ों की सजा हो गई है। कहा जी हजरत सुना है, तो फिर आराम से बैठे हुए हो। ओ खुदा के बंदे दुआ करो उसके लिए, वरना हम क्यामत के शाह जी को क्या मुंह दिखाएंगे, उसको कोड़े लग गए तो हम क्या मुंह दिखाएंगे। तो पता ही नहीं है ताल मुहम्मद शाह जी को, उनके लिए वहां दुआएं हो रही हैं। कहते मुझे एक बुढ़िया मिली को 90 साल की उम्र की, जब मेरे हाव के आया तो उसने मेरे सर पे हाथ फेरा, उसने कहा ओ पुत्र मैं तेरे वास्ते 100 नफल अल्लाह को मने सन मैं पढ़े। नारे तकबीर अजमत ताजदार खत्मे नबूवत अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी। तो ये वो दुआएं थी, कोड़े माफ हो गए। शाह जी ने फरमाया मैं जुर्माना बिल्कुल नहीं दूंगा, मैं कैद भुगत लूंगा। पूरी जेल का जो मेस था वो कैदियों ने हड़ताल कर दी, जेल में हंगामा हो गया। उन्होंने कहा कि अगर हमारा खाना लंगर इस बंदे के सपोर्ट करते हो तो हम अपनी हड़ताल खत्म करते हैं, वरना तुम्हारी हमारी खुली जंग। हजरत मौलाना हबीबुल्लाह फाजिल रशीदी भी उसमें थे और भी लोग थे, और मैं मुलाकात के लिए जाया करता था, हफ्ते के दिन हम जाते थे उस जेल के अंदर। हजरत ये बड़ी अजीब बात है, उन्होंने अपने बाजू को काटा, यहां से जख्मी किया, उसमें से खून निकाला और एक अहदनामा लिखा कि मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक कादियानियों को गैर मुस्लिम अकलियत करार नहीं दिया जाता। उस वक्त रबवा भी खुला शहर नहीं था, और उसमें लिखा कि अल्लाह मैं आपसे अहद करता हूं कि मैं अपनी जिंदगी मुहासबा कादियानियत के लिए खर्च और सर्फ कर दूंगा, इस रास्ते में मैं मौत को भी कबूल करूंगा, लबैक कहूंगा और अपने अहद से रूगर्दानी नहीं करूंगा। और बाज निजी मजलिसों में कहा कि मैं शादी भी नहीं करूंगा जब तक ये मसला हल नहीं होता। वो अहदनामा खून का लिखा हुआ इत्तफाक है, उनके कागजात में कहीं पड़ा था, रखा हुआ था। तो वो पिछले दिनों मैंने बात की तो पीर जी के बेटे मौलाना ताउल मनान मुझे बता रहे थे कि वो मौजूद है, मैंने देखा है ऊपर। ये लोग थे यहाँ, मतलब खून दे देंगे ये कहना बड़ा आसान है। 11 हमले हुए हैं यहाँ चनाब नगर में उन पर कातलाना, किसी एक का भी कभी अखबार में पढ़ा आपने? वो दरवेश आदमी था, फैसलाबाद से चनोट आने के लिए जेब में किराया नहीं है, वहां से पैदल यहाँ पहुंचे, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। ये हमारे बुजुर्ग ऐसे ही थे सारे, ये जितनी हमारी लड़ी है ना बुजुर्गों की, हमारे अकाबिर की, उलमाए हक की, ये उनका किरदार है कि वो अल्लाह के सिवा किसी और के सामने हाथ नहीं फैलाया। उन्होंने मौत से आंखें चार की है, उन्होंने यहाँ चनियोट में कई रातें, उन्होंने हमारे भाई उस्मान के यहाँ एक और भी साथी है उनकी, वो लोम्स भी चल रही होती थी उसके अंदर नीचे फर्श पे सो जाते, यहाँ से पैदल कई दफा चनाब नगर गए, वहां से पैदल आ गए, नहीं है पैसे नहीं है, आ गए तो खत्म कर दो। फकरे बूजर का अगर हमने इस दौर में किसी आदमी के अंदर उसको उसका इजरा देखा है तो वो सैयद अताउल मुहम्मद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह थे, आप यकीन फरमाए। तो जनाब हम इन लोगों को अपने रहनुमा बनाकर उम्र के इस हिस्से तक पहुंच गए, 63 बरस हो गए, तो दांत भी निकल गए, बाल भी सफेद हो गए, 2 खबरें आ गई, तीसरी खबर तो अब मतलब है कि मलिकुल मौत ही लेके आएंगे ना। 2 खबरें आ गई हैं कि तैयारी करो आखिरत की, तो आखिरत की तैयारी सिर्फ और सिर्फ अकीदा है खत्म नबूवत के तहफ्फुज में है। नारे तकबीर ये बैठे हैं हजरत मौलाना अशरफ अली साहब दामत बरकात हूँ, इनके बारे माजिद शेखुल कुरान हजरत मौलाना गुलामुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह की मौजूदगी में लियाकत बाग में शाह जी ने एक तकरीर की थी, और उसी तकरीर का एक हिस्सा महफूज रहा चंद मिनट का। उसके अलावा जो कुछ है वो 2 नंबर ही तो हर जगह चलती है ना, वो नेट पर भी चल रही है, मौलवी खुतबे पढ़ रहे हैं, सूरह यासीन पढ़ रहे हैं, ये शाह जी की तिलावत, ये शाह जी की तकरीर, ये शाह जी का खुतबा, जो उल्टी सीधी आंक रहे हैं, ना उर्दू ठीक ना अरबी ठीक, कुछ भी ठीक नहीं है। वो एक तकरीर बची और हजरत मौलाना गुलामुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह के जरिए ही हम तक वो पहुंची, हजरत पीर जी को सबसे पहले मिली, और फिर
हमारे घर में आई और फिर मैंने उसको फैलाया, तो उसमें शाह जी ने एक जुमला कहा कि जब भी कोई नबी सिर उठाएगा सिद्दीक अकबर की सुन्नत जारी की जाए। वो कहां खड़े थे? नारे तकबीर, ताजो तख्त खत्मे नबूवत। और आखिरी तकरीर मुल्तान में की, उसमें फरमाया मुसलमानों अकीदा खत्मे नबूवत पर आंच ना आए और परचम खत्मे नबूवत गिरने ना पाए। तो आज हम सब का, जितनी दीनी जमाते हैं, दीनी रहनुमा हैं, दीनी मदारिस हैं, दीन से वाबस्ता जितने लोग हैं, सारी कौम दीन से वाबस्ता है, हम सब मुसलमान हैं, हर मुसलमान दीन से वाबस्ता है। दर्जात अपने अपने हैं, नहीं कुछ दीन के काम में बाकायदा मशगूल है, दावत के काम में, सियासत के मैदान में, तालीम के मैदान में, तबलीग के मैदान में, मुख्तलिफ मैदान है और वहां हमारे मुसलमान जिद्दोजहद कर रहे हैं। हम सब एक हैं और यही एक नुक्ता है। तौहीद तो बाद में आती है, तौहीद तो हुजूर ने समझाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके, किसको पता था अल्लाह वादा ला शरीक है, बताया समझाया, नहीं मानते थे, इतनी दावत दी, फिर फतह मक्का हुआ, फिर सब ने मान लिया। और उसी तकरीर में शाह जी ने मोहब्बत से एक जुमला भी कहा, वो भी महफूज है, कि नमाजा से अजाना के बगैर जब कलमा पढ़ो तो आख्या करो ला नबी अबाद मोहम्मद वला रसूल अबाद मोहम्मद वला उम्मत अबाद उम्मत मोहम्मद। और फरमाया ये पढ़ लिया करो अजाना तो नमाजा तो इलावा, ये बिदत नहीं होगी थे साढ़े मौली गुलाम उल्ला खान साहब खास तौर पर पढ़िया करें। मोहब्बत की बात है उसमें फरमाया, तो बड़ी मोहब्बत थी। शेखुल कुरान भी हमारे साथ मंदिर शाह आराम में रहे और कादियान तक गए, वो वहां उन्होंने आरार कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। मोहब्बत करने वाले, ये मोहब्बत आज तक कायम है। और हजरत मौलाना मंजूर अहमद चनौटी रहमतुल्लाह अलैह 1953 में गिरफ्तार हुआ है खत्म उनकी तारीख में, 74 में भी वो सालार बन के आगे खड़े थे, अताउल्लाह शाह बुखारी के बेटे भी खड़े थे, कोई भी नहीं भागा। तो हम आज भी खड़े हैं और इस महाज पर हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अगर कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो हमें इस्तेकामत अता फरमाए, ऐसा ना हो कि हम पीठ दिखा के भागें, यह मुनाफिकीन का काम है। अल्लाह हमें ईमान वालों में खड़ा करे, इस्तेकामत अता फरमाए, ईमान पर मौत दे और कब्र में राहत नसीब फरमाए, क़यामत के दिन ईमान वालों में उठाए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ात नसीब फरमाए। और हम ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद का नारा लगाते हुए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माईयत में बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल हो जाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हमने हर दौर में तकदीस रिसालत के लिए